आपको क्या हुआ है? पता है क्यों रो रहे? डरना नहीं, मैं लेके जाऊंगी आपको यहाँ से, मैं लेके जाऊंगी आपको। बताए बताए, नहीं मारेंगे बहन, समझे मुझे, मैं लेके जाऊंगी, मैं अपने किसी भाई को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये वो लोग हैं जिनको इस वक्त जंजीरों में बांध रखा है। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? 5-6 रख जी। ये सबकी जंजीरें देख सकते हैं, और ये देखिए, ये यहाँ पर ताले लगाए गए हैं जहाँ पर इन लोगों को जानवरों की तरह बांध के रखा गया है। ये इंसान है, कौन सा कानून की कोई शिक कहती है, कानून कहाँ इजाजत देता है कि इंसान को हम जानवरों की तरह यहाँ बांध कर रखें? यहाँ पर कोई एक दो लोग नहीं, यहाँ पर कई लोग मौजूद है। कब से आप लोग यहाँ पे? मैडम 11 महीने हो गए हैं, 10 हो गए। ये वैसे ही जबरदस्ती इन्होंने बंद किया हुए, देख यहाँ कुछ हॉस्पिटल बंद किए। ये यहाँ पर आप लोग इस वक्त देख सकते हैं, आगे चलते जाते हैं, मैं आप लोगों के लिए आई हूँ, आप लोग सबको आजाद करवाऊंगी यहाँ से, आज किसी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। आगे आइए, आगे आइए। आप लोग कब से हैं जी यहाँ पे? महीना डेढ़। महीना डेढ़ से? आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। आइए जी, आगे आइए। ये कम उम्र बच्चे हैं, आप तो मुझे उस दिन नजर भी आए थे यहाँ पे, आप तो कुछ और बोल रहे थे। कब से है यहाँ पे? डरना नहीं है, मेरे साथ पुलिस फोर्स है। साल हो गए मेरे साथ पुलिस फोर्स है, मैं आप सबको निकाल के जाऊंगी यहाँ से, मैं किसी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, क्योंकि आप लोग इंसान है। हमारा आईन आपको इजाजत देता है कि आप लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए, आप लोग यहाँ पर सांस नहीं ले सकते, आप लोग यहाँ पर रह नहीं सकते, आप बुजुर्ग है। ये देखे जी, इनके पाँव में जंजीर देखे। कब से आप यहाँ पे? मुझे 11 महीने। 11 महीने हो गए हैं। मेरे कैमरामैन ये तमाम मासूम बच्चे दिखा सकते हैं। कितनी उम्र आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल। आपकी? 16 साल। 16 साल। आपकी? 15 साल। आपकी कितनी उम्र है? 18। 18 साल। आपकी कितनी उम्र है? मैम मेरी 19 साल उम्र। 19 साल उम्र है। और आपकी? 15 साल उम्र है। आगे आते जाएं। आ सकते हैं आगे? आ सकते हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे 2 महीने हो गए। 2 माह हो गए हैं। आगे है जी कैमरामैन, आगे लेके चलें कैमरा, और आगे चलें। कितने अच्छे से आप लोग यहाँ पे? 4 साल हो गए जी। 4 साल से यहाँ पे हैं? क्यों? बस क्या बात है, फैमिली लेने नहीं आती आपको? नहीं, फैमिली लेने नहीं आती। आपको कब से रखा है? तकरीबन हो गया थे 4-5 महीने हो गए। 4-5 माह हो गए हैं। क्यों रखा भाई? ये सूखी रोटियाँ आपके हाथ में जी, ये क्यों है? सुबह नाश्ता देते। ये सुबह नाश्ता दिया गया है, हाथ में रोटी है और इसके अंदर कुछ नहीं है, ये आपका नाश्ता है। जंजीरों से बंधे हुए इंसान जिनको हाथों में ऐसे रोटी दी जा रही है जैसे तबेले में बंधा हुआ कोई जानवर हो। मैं सवाल करती हूँ उन कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी, हमारी पुलिस फोर्स को सल्यूट करती हूँ जो हमारे साथ यहाँ पर आए, क्या हमारे आईन में इसकी इजाजत है? नहीं। आगे चले, मैं आपको दिखाती हूँ और कुछ। 14 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा यहाँ पर साल साल दो दो साल से कैद है, और जंजीरें ऐसे बांध रखी हैं जैसे ये इंसान नहीं, ये जानवर है। मैं आ रही हूँ, आप सबकी तरफ आ रही हूँ, मैं सबकी तरफ आ रही हूँ, आप लोग परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल मैं सबकी तरफ आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 8 महीने हो गए। 8 महीने क्यों है? बस घर वाले छोड़ दिए। क्यों? नशा करते हैं। नशा करते हैं आप? करते हैं जी। आप भी करते हैं? नहीं, आप नहीं करते। नहीं करते। आप क्यों रो रहे हैं? बस घर की याद आती है, बच्चों की याद आती है। ये आपने हाथ में टुकड़े किस चीज से पकड़े हैं? ये मैं खाना देते हैं, ये रोटी देते हैं आपको जी। ये आपने भी हाथ में पकड़े हुए टुकड़े, ये क्या है? ये खाना देते हैं, बकरी से चाहे जुल्म होता है, मारते हैं ये लोग। क्यों मारते हैं? बस जरा सी गलती पे बहुत मारते हैं जी, बहुत मारते हैं जी। इधर तो मैं क्या किए हुए, झगड़ा हुआ है जंगलों में। नहीं जाएंगे, मैं आपको लेके जाऊंगी, मैं आपको लेके जाऊंगी। मैं मेरा डेली पीर बने हुए हैं, बाल भी पड़े हुए हैं, हमें पाकी नहीं करवाते ये। अच्छा जी, हम ना पाकी करवाते हैं, इलाज करते हैं, हम लोग यहीं पे खाना खाते हैं, यहीं पे नमाज पढ़ते हैं। आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मारते हैं? नहीं है, मारते हैं हमें। घरों को बताएंगे तो मार मार के बुरा हाल कर देते। अच्छा, मार मार के इतना बंदे का सतगन आज कर देते, कैन में डब्बे हैं उसमें इधर ही सोते हैं, इधर ही पेशाब करो, इससे तो जेल बेहतर है। इधर ही सो, इधर ही पेशाब भी करो, इधर कैन होते हैं उनमें बोलते हैं पेशाब करो,
करते हैं दिन में दो तीन दफा ये पेशाब के लिए खोलते हैं। अगर कोई बोलेगा मैंने पेशाब करना है गंदे बाथरूम है, कोई जाएगा उसको मारेंगे। सलामुलेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे कब से हैं? बाजी मेरे को हो गए 7 माह 15 दिन हो गए पहले। ये तो खाना है बाजी। ये खाना है? हाँ। आप घर में भी ऐसे ही खाते थे? घर में कहाँ, माँ ऐसे खिलाती थी। आपको मारे इन्होंने? आपको मारे? दिखाए जरा इनकी कमर पे, दिखाए दिखाए दिखाए, नोट करें। आए जी देखें इनकी कमर पे निशान, देखें दिखाए जरा, देखें आगे हो, आगे हो, देखें मैं औरत हूँ, मैं ज्यादा आगे देखें। आप ऐसे चुप, आप देखें। एक को लाहौर भेज दिया, वो भी मरने वाला था बिल्कुल। यहाँ पे बहुत जुल्म होता है, ये जैली पीर बने हुए हैं। मारते कैसे हैं ये? इन्होंने बहुत बड़े बड़े डंडे रखे हुए हैं, ऊपर टेप लपेटी हुई है काली। इतना मारते हैं कि बंदा डर के मारे घर वालों से हम यहाँ छोड़ के चले गए, ये हमें खत्म कर देंगे। मार की आवाज आ रही थी, वो कौन था? सबको मारते हैं, रोज कल मार रहे हैं, 10-12 बंदों को मारते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े डंडे पड़े हुए, ऊपर टेप की हुई है। मारता कौन है? मारता ये जो पुराने मजलाल के दो दो साल हो गए हैं। एक इधर उसका नाम मुर्तजा है, मुर्तजा नाम है उसको। आप चाबियां बता करें प्लीज, इनको बुलाएं यहां से। ये कोटी वाले सब छुपे हुए हैं, वो इंतजार खड़ा हुआ है। मकसूद नाम है, मकसूद नाम है, इसको बुलाओ, इसको इसको इधर मुर्तजा आइए आइए। आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या हुआ है? बताए क्यों रो रहे हैं? डरना नहीं, मैं लेके जाऊंगी आपको यहाँ से, मैं लेके जाऊंगी आपको। बताए बताए, नहीं मारेंगे बहन समझे मुझे, मैं लेके जाऊंगी। मैं अपने किसी भाई को छोड़ के नहीं जाऊंगी यहाँ पे। मेरा बात है, आज सारे यहाँ से जाएंगे, मैं तब तक नहीं जाऊंगी, ये फोर्स नहीं जाएगी जब तक मैं आप लोगों को लेके। डरना नहीं है, कोई भी बताओ क्या बात है, क्या बात है, कुछ नहीं बताओ, कुछ नहीं बताओ। बहन समझे मुझे? बिल्कुल समझे। बहन पे यकीन करके देखो, बहन बहन पे यकीन करो, बहन पे यकीन करो, बहने भाइयों को छोड़ के नहीं जाती होती। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं, अभी तो कुछ बताओ, कुछ नहीं हुआ। डरे हुए हो तो रोए क्यों है? मैं घर की याद, घर की याद आती। अब्बू मिलने आते 26 को आए थे, मिलने नहीं दिया। अब्बू को मिलने नहीं दिया क्यों? कैमरा खत्म। आपने कोशिश नहीं की अब्बू को मिलने की? नहीं है। आपको कौन छोड़ के गया? मेरा भाई छोड़ के गया। भाई को बताया यहाँ पे क्या होता है? मेरे ख्याल में तो नहीं बताया। क्यों? बस क्योंकि ये लोग डील इस तरह से करते हैं कि आप कुरान का दर्स होता है और कुरान पढ़ा जाता है और वजीफा किया जाता है, और मतलब ये मदरसा है एक। ये मदरसा? हाँ जी, ये एक मदरसा है। यहाँ पर हम बहुत रोते हैं, पिटते हैं, हम आगे से इन्हें कुछ क्या हो, ये आगे से डंडे मारते हैं, कहते हैं घर भेज दो घर भेज दो, आखिर से आगे से भेजते ही नहीं है। मुलाकात उस पर हमें जफ्फी डालते हैं, एक मार का नाम रखा हुआ है जफ्फी, तीन चार आगे बाद उस मारने का नाम इन्होंने रखा हुआ है जफ्फी। जब किसी की मुलाकात आती है उसको कहते हैं कि अगर गलत मुलाकात करोगे उस पे आपको जफ्फी डलेगी। एक आदमी यूं दूसरे को उठाता है, हाथ बांधते हैं, उसका सारा जिस्म जो है वो जब उसको जब छोड़ दे 100 डंडा मारते हैं, जब उसको छोड़ देते हैं तो वो चल नहीं सकता, वो अपाहिज हो जाता है बिल्कुल। एक महीने के बाद जो है ना वो चल सकता है, ठीक है। और फिर मजदूरी करवाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, इस तरह अपने मकान तमीर करवा रहे हैं, पीछे उनका घर है जी, ये जी ये सारी फ्री के लेबर है। ये जितनी आगे अमारात है, काम जरा सा गलत करेगा उसको भी मारेंगे। तुम तो मुझे नशा करते नहीं लगते। सिर्फ मैं सादा सिगरेट पीता हूँ। तो यहाँ पे कौन छोड़ के गया? यहाँ पे भाई। क्यों? मेरा भाई नशा करते, इसको छोड़ने आया हुआ था मैं, उसके साथ मुझे भी यहाँ पे छोड़ दिया। आपके साथ जो कुछ होता आपके घर वालों को पता नहीं? यहाँ पे घर वालों को बताने भी नहीं देते। जब कोई नया बंदा किसी को दाखिल कराने आता है तो आपको सामने करते हैं? वो झूठ बुलवाते हैं, वो हलफ भी उठवाते हैं, वो झूठ होता है, सब सब झूठ, सब झूठ होता है। आपको मारा? मुझे मारा? मारा घर में मारा भी और काम भी कराते हैं, तो हलफ देके काम भी उधर से कराते। आप चले जाएंगे फिर हमें मारेंगे अगर हम आपको बता। ये देखें ये क्या हुआ आपको? ये मारा गया, ये सर पे पानी, ये मुंह पे देखें, ये भी मारा गया, ये दिखाए, ये भी मारे, ये करते अपने बच्चों के लिए पार, इधर इधर करके घुमाए, ये पीठ देखो जरा इसकी, इधर आओ। आपको भी मार पड़ी है जी? पड़ी है। क्या गलती की थी आपने? आपने जंजीर खोलने की कोशिश की होगी जी, क्या बाथरूम जाने की बात की होगी, रोटी मांगी होगी, तो ये गलती है, ये तो इंसान का बुनियादी हक है।
आप तो बहुत ज़हीफ हैं, आप कब से हैं? मुझे 11 महीने। क्यों छोड़ के गए? बस वो 3 महीने का कहा था इलाज।